आज हम बिल्कुल नए तरीके से घर में ही टूटी फ्रूटी बनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए टूटी फ्रूटी बनाने के लिए। जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल अपने किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। होममेड टूटी फ्रूटी बनाने के लिए बहुत ही कम सामान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी बनाने के लिए तरबूज का छिलका ले ली हूँ, फूड कलर ले ली हूँ, शुगर ले ली हूँ, वनीला एसेंस ले ली हूँ, या आप गुलाब जल भी ले सकते हैं या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। अक्सर हम तरबूज को खाकर हम छिलके को फेंक देते हैं। कभी भी तरबूज को खाने के बाद छिलके को नहीं फेंकना चाहिए, इससे टूटी फ्रूटी बहुत ही ईजी बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस छिलके का ग्रीन वाला पार्ट हम छीलकर अलग कर लेंगे। ये डार्क ग्रीन वाला पार्ट बहुत ही आसानी से पीलर से पील हो जाता है। आप चाकू की हेल्प से भी इसे पील कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। तो ऐसे ही ये डार्क वाला छिलका हम छीलकर अलग कर लेंगे और नीचे का जो लाल वाला हिस्सा है उसे भी चाकू की सहायता से हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। सभी तरबूज के छिलके को ऐसे ही काट कर अलग कर लेना है और ग्रीन पार्ट भी छील कर अलग कर लेना है। तो मैं सभी को ऐसे ही छील ली हूँ और रेड वाला पार्ट अलग कर ली हूँ। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्यूब शेप में कट कर लेंगे। आप इस शेप को छोटा या बड़ा कैसे भी शेप दे सकते हैं। मैं इसे बहुत ही महीन काट रही हूँ, बहुत ही छोटा छोटा क्यूब शेप में काट रही हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसा ही इसे क्यूब शेप में काट रही हूँ। ये बहुत ही नरम रहता है तो ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। ये देखिए मैं इसे क्यूब शेप में काट ली हूँ। सभी को ऐसे ही कट कर लेंगे। ये दो कटोरी क्यूब शेप में कटा हुआ है। अब यहाँ पर मैं गैस ऑन करके एक पैन चढ़ा दी हूँ। दो कटोरी तरबूज का छिलका है तो दो कटोरी ही पानी लेंगे उबालने के लिए। जब इस पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा फिर उसके बाद तरबूज का छिलका डाल देंगे। ये अच्छे से उबाल आ गया है तो इसे डाल देंगे। उबालने से तरबूज की जो खुशबू है वो बिल्कुल चली जाती है। तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब ये बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले ली हूँ और छन्नी ले ली हूँ। अब इसे हम छान लेते हैं। छान कर इस पानी को अलग कर लेंगे और टुकड़ों को अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक पैन चढ़ा दी हूँ। अब इसमें एक कटोरी शक्कर डाल देंगे और दो कटोरी पानी डाल देंगे। जितना तरबूज का छिलका है उतना ही पानी डालना है। अब यहाँ पर शक्कर के घुलने तक इसे घोल लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से घुल चुका है शक्कर। अब उबला हुआ तरबूज का छिलका डाल देंगे। अब इसे हाई फ्लेम में ही इसे कुक कर लेना है। शक्कर जब आधा हो जाएगा घुलकर तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। शक्कर घुलकर बिल्कुल आधा हो चुका है और तरबूज का छिलका बहुत ही अच्छे से पक कर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर मैं वनीला एसेंस ले ली हूँ। आपके पास अगर वनीला एसेंस ना हो तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। गुलाब जल डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये एसेंस है तो मैं इस एसेंस को डाल रही हूँ। आधा चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस एसेंस को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं चार कटोरियों में इसे डिवाइड कर दूंगी। मैं चार कलर ली हूँ इसीलिए मैं चार कटोरियों में इसे डिवाइड कर रही हूँ। मैं सभी में अलग अलग कलर डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि तरबूज के छिलके में बहुत ही अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पर मैं येलो कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर ले ली हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब इसे ऐसे ही कटोरी में छोड़ देना है एक से डेढ़ घंटे तक ताकि ये अच्छे से कलर कोट हो जाए। एक से डेढ़ घंटा हो गया है। अब इसे छान लेंगे और चाशनी अलग कर लेंगे। सभी को ऐसे ही छानकर
चाशनी अलग कर लेना है और तरबूज के छिलके को अलग कर लेना है। अब एक प्लेट में हम इसे सुखा लेंगे। चारों तरबूज के कलर को ऐसे ही छानकर अलग कर ली हूँ और एक प्लेट में ऐसे ही सुखा ली हूँ। अब इसे अच्छे से फैला लेना है ताकि पंखे की हवा में अच्छे से सूख जाए। ध्यान रहे कि यहाँ पर धूप में नहीं सुखाना है, पंखे की हवा में ही सुखाना है। एक दिन में ही ये अच्छे से सूखकर तैयार हो जाता है। तो इसे ऐसे ही पंखे के नीचे छोड़ देना है और इस चाशनी को शरबत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, एक दिन के बाद ये टूटी फ्रूटी बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसा। आप जब चाहें केक में डाल सकते हैं या कुल्फ़ी में डाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, बाहर से बिल्कुल सूखा हुआ है और अंदर से बिल्कुल जूसी है। ये देखिए, बहुत ही जूसी है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।